फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता। फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा एक सिंपल इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल डीआईवाई जो देगा आपके अनइवन स्किन टोन को एक शाइनिंग इफेक्ट और जो बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाता है, डलनेस हो जाता है, स्पेशली ऑन द हैंड एक्सपोज्ड पार्ट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम पार्ट एक्सपोज रखते हैं, स्पेशली द हैंड्स एंड फीट्स ऑल, तो ये इतना ज्यादा टैनिंग हो जाता है ड्यू टू सन और अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज मैं बताऊंगी एक ऐसा मास्क जो रिलीज करेगा ये सारे प्रॉब्लम को, अवॉइड करेगा और देगा बहुत ज्यादा आपको शाइनिंग और इवन स्किन टोन, बहुत ज्यादा ग्लोइंग इफेक्ट देगा आपके स्किन को। तो फ्रेंड्स मैंने एक मास्क बनाया है जिसे आज मैं दिखाने वाली हूँ। बहुत ही ज्यादा इसका स्किन का टेक्सचर आपका बिल्कुल शाइनिंग करने लग जाता है और ग्लोइंग सा इफेक्ट आता है फ्रेंड्स इससे। बहुत ही ज्यादा ये आसान है बनाना और बहुत ज्यादा इसका अमेजिंग रिजल्ट आता है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप नए हैं मेरे चैनल को तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने लिया है एक पोटैटो यानी आलू, जिसको अच्छे से धोकर ऊपर का स्किन निकाल लेना है और ग्रेटर से हमें ग्रेट कर लेना है। तो ये जो फाइन पोर्शन होता है ग्रेटर का, उसी से हमें कद्दूकस कर लेना है। आप चाहे तो मिक्सी में भी चला सकते हैं, बट एक सिंगल आलू नहीं होता। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे तो आप मिक्सी में आराम से पीस सकते हैं। तो इस तरह से आराम से ग्रेट हो जाएगा ये। अब मैं इसमें डालूंगी ओट्स पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। तो ये पिसा हुआ ओट्स है और साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर ग्राम फ्लोर यानी बेसन। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आप उसके बदले राइस फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं यानी चावल का आटा। साथ में मैंने 1 टीस्पून के बराबर टर्मरिक लिया है, हल्दी, लेमन जूस ऐड करना है अराउंड 1 टेबलस्पून के बराबर। तो ये सारी चीज़ें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी की है फ्रेंड्स, तो ये ब्लीच करता है, जो सन टैनिंग है, डलनेस है, उसे ये रिमूव करता है। बेसन बहुत ज़्यादा आपके स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करता है, साथ में ग्लोइंग इफेक्ट देता है। लेमन में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है जो स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है। साथ में हमने लिया है ओट्स पाउडर जो स्किन को लाइट एंड ब्राइट करता है, शाइनिंग टेक्स्चर देता है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टेबल स्पून के बराबर मस्टर्ड ऑयल। तो ये सरसों का तेल है, ये आपके स्किन को ड्राई होने नहीं देगा। तो अगर आपको सरसों तेल नहीं है आपके पास, आप इसमें कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम इससे स्क्रब करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि रैशेस पड़ जाते हैं, बट ऑयल की वजह से रैशेस नहीं पड़ेंगे और स्किन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगा आपका। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून के बराबर गुलाब जल यानी रोज वाटर। तो ये थोड़ा सा स्मूथ सा पेस्ट जैसा बन जाएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा स्क्रबिंग का काम करता है फ्रेंड्स और ये क्लीन करता है आपके बॉडी में जो डस्ट होते हैं, जो भी इम्प्यूरिटीज होते हैं, उसे रिमूव करेगा। स्किन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा ये इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से आपको हाथों में लगाना है, जहाँ जहाँ आपकी टैनिंग हो चुकी है और ज़्यादा अनइवन स्किन टोन है उसमें आपको अच्छे से इसे स्मूथली बिल्कुल मसाज करना है। तो इसे अराउंड 10 मिनट्स के लिए बॉडी में लगाना है। आप चाहे तो जहाँ भी टैन है वहाँ भी लगा सकते हैं, लाइक फीट में, और जहाँ आपका कालापन है वहाँ यूज़ कर सकते हैं, इवन इन द नेक पोर्शन। तो इस तरह से पूरे हैंड्स में हमें अच्छे से मसाज करना है बिल्कुल स्मूथली एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए। तो बहुत ज़्यादा इसका अमेजिंग रिजल्ट आता है, स्किन आपका बहुत ज़्यादा सूद होगा, सप्पल होगा, शाइन करता है फ्रेंड्स और बहुत ज़्यादा आप देखेंगे ग्लोइंग करने लगेगा। कितने भी दिन का ये आपका टैन हुआ रहे या जो भी मैल है वो सारे निकल जाते हैं एक ही बार में, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्किन शाइनिंग करने लगता है। तो फ्रेंड्स जब हम इस तरह से स्क्रबिंग करते हैं तो ये धीरे धीरे मिक्सचर जो है ड्राई होने लगता है। तो इस तरह से बिल्कुल स्मूथ हैंड से आपको करना है। तो थोड़ा सा रेडनेस आ जाता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता है इम्प्रूव। तो थोड़ी देर बाद जब आप इसे वॉश करेंगे तो नेचुरल हो जाएगा आपका स्किन और देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग टेक्सचर होता है। तो इस तरह से ये ड्राई हो चुका है हल्का सा और हल्के हाथों से ही हमें इसे रब करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है स्क्रबिंग करते हुए और थोड़ा सा रेडनेस भी हो जाता है क्योंकि जब ये ड्राई होता है तभी मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड किया था ताकि आपके स्किन को कोई भी रैशेस ना हो। तो इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है और स्किन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है।
तो इस तरह से हम धीरे धीरे छुटा लेंगे पूरा और ये स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। अब मैं इसे वॉश कर लूंगी नॉर्मल वाटर से। आप चाहे तो नहाने से पहले ये सब कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्किन सूद होगा। तो मैंने वॉश कर लिया है और इसे ड्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पहले का रिजल्ट और अभी का, तो बहुत ज्यादा स्किन शाइन करने लगता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप अफेक्टेड एरिया में भी लगा सकते हैं, लाइक फीट्स में, पैरों में भी काफी हद तक मैल जम जाती है, कालापन आ जाता है, उसमें भी इसी प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हैं। अब इसे धोने के बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लेना है, बट मैं इसमें एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। तो इस तरह से स्किन भी बहुत ज्यादा स्मूथ रहता है फ्रेंड्स। तरह से आप भी अपने अफेक्टेड एरिया को क्लीन कर सकते हैं। तो होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।